हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो। तो आज निफ्टी बंद हुआ है लगभग 17,067 पे, लगभग 6 पॉइंट लॉस के साथ फ्लैट नेगेटिव बंद हुए हैं। और हुआ यहाँ जो है, तो जैसे हमने एक्सपेक्टेड किया था, ऊपर के लेवल से अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आया है। तो चलो देखते हैं कल के लिए क्या ट्रेड प्लान हो सकता है। कल जो है तो मंथली एक्सपायरी भी है फेब की, तो देखते हैं चार्ट पे अभी निफ्टी कैसा दिख रहा है। तो वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो निफ्टी जो है तो लगभग 210 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है फॉर द वीक, 1.22% डाउन। मगर यहाँ एक अच्छी बात यह है कि नीचे के लेवल पे निफ्टी जो है तो सपोर्ट ले रहा है, और 16900 और 16800 जो है तो अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। नेक्स्ट जो वीकनेस आएगी वो उसके नीचे ही आएगी। मुझे लगता है कि एक बार निफ्टी फिर से जो है तो एक बाउंस बैक दिखा सकता है ऊपर की तरफ, जिस तरह से नीचे से बाइंग आ रही है या फिर नीचे से सपोर्ट आ रहा है निफ्टी के लिए, तो ऊपर के लेवल शायद हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले हफ्तों में। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने अच्छा खासा नीचे के लेवल लगभग 16900 के लेवल टेस्ट किए, वहाँ से जो है तो अच्छी खासी रिकवरी देखे। हमने आज जो है तो हाई लगाया था लगभग 17218 का, और वहाँ से एज एक्सपेक्टेड फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई। मगर जिस तरह से अभी प्राइस पैटर्न बना है, मुझे लगता है कि निफ्टी जो है तो रिकवरी की कोशिश कर रहा है, और हम निफ्टी में रिकवरी देख सकते हैं 17300 से लेकर 17450 की तरफ। तो यहाँ जो है तो हमारा अभी व्यू थोड़ा सा चेंज होगा, और नीचे के लेवल पे हम बाइंग करने की सोचेंगे, मगर स्टिक स्टॉप लॉस या वोलेटिलिटी ज़्यादा रह सकती है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस ज़्यादा है। तो जो छोटे ट्रेडर है वो सिर्फ वेट एंड वॉच कर सकते हैं, जो रिस्क ले सकते हैं उनके लिए बाय ऑन डिप्स मुझे लगता है कि मार्केट है। और ऊपर जो है तो हम 17300 से लेकर 17450 के लेवल आने वाले एक दो सेशन में देख सकते हैं। अभी देखते हैं आवरली चार्ट। तो आवरली चार्ट पे आप देख सकते हो कि आज हमने अच्छा खासा, जो मैंने कहा था कि 17150 के ऊपर खुलता है तो हम बाइंग की कोशिश करेंगे, तो हमने लगभग 200 का हाई लगाया, और वहाँ से मार्केट जो है तो प्रॉफिट बुकिंग आ गई मार्केट में। यहाँ जो है तो नीचे कल के लिए मेरा जो ट्रेड रहेगा, हम 16950 से लेकर 900 के बीच में अगर निफ्टी मिलता है हमें तो हम बाय करने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम बाय ऑन डिप्स व्यू रखेंगे, करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हो करंट लेवल पे, और नीचे अगर मिलता है तो वहाँ एवरेज आउट करने की कोशिश कीजिए। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 16850 के नीचे, और मुझे लगता है कि हम जो है तो 17300 से लेकर 17400 के टारगेट जो है तो आने वाले एक दो दिनों में देख सकते हैं। यहाँ जो है तो थोड़ा सा लैकलस्टर रह सकता है मार्केट, थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, तो ये टारगेट आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये कल के लिए टारगेट नहीं होगी, उस तरह से आपको ट्रेड बनाना पड़ेगा। ये टारगेट आने में कम से कम एक से दो दिन लग सकते हैं। तो यह हमारा बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रहेगी कल के लिए। हम लॉन्ग करके चलेंगे 17,000, 16,950 और 900 के अराउंड जो है तो हम बाय कर सकते हैं। 850 के नीचे स्टॉप लॉस रखेगा, और टारगेट जो रहेगा वो 17,300 से लेकर 17,450 के टारगेट मुझे लगता है कि निफ्टी दिखा सकता है। और यहाँ एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है मार्केट में, वोलेटाइल रह सकता है मार्केट, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है तो हमारा लॉन्ग साइड का ही व्यू रहेगा, और लॉन्ग साइड पर हम ऊपर के ही टारगेट लेकर चलेंगे अभी निफ्टी में, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से नीचे से रिजेक्शन आ रहा है मार्केट में, एक दिन हमें अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, और ये शॉर्ट कवरिंग मैक्सिमम जा सकती है 17600 तक। तो बीच बीच में बहुत सारे रेजिस्टेंस है, तो वो उस रेजिस्टेंस पे अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो प्रॉफिट बुक करती रहिए, फिर से मौका देगा मार्केट, क्योंकि मार्केट यहाँ जो है तो दोनों तरफ के वोलेटाइल रहेगा, तो दोनों तरफ की मुंह देखने को मिलेगी, और फिर से हमें हर बार नीचे के डिप्स पे बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। तो यहाँ प्रॉफिट बुक करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास प्रॉफिट है किसी पोजीशन में तो प्रॉफिट बुक करते जाइए, आपको फिर से नीचे के लेवल मिलेंगे यहाँ। तो यहाँ हमारा कल के लिए ट्रेड रहेगा लॉन्ग साइड पे, हम नीचे के लेवल पे बाय करेंगे, नीचे 17950 और 16900 पे बाइंग की कोशिश करेंगे विथ स्टॉप लॉस बिलो 16850। टारगेट रहेंगे 17300 से लेकर 17400। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो उनके लिए सलाह रहेगी कि एट द मनी जो ऑप्शन है 17000 का जो कॉल ऑप्शन है मार्च एक्सपायरी का, उसमें हम एक्युमुलेशन करेंगे, और यहाँ जो टारगेट रहेंगे हमारे वो लगभग रहेंगे 2x के टारगेट बनेंगे, उसमें जो एक्युमुलेशन करना है आपको सेम लेवल पे 16950 और 16900 पे, उसके लिए भी स्टॉप लॉस यही रहेगा। अगर फ्यूचर 850 के नीचे स्लिप करता है तो उस ऑप्शन में जो भी लॉस होगा आपको वो लेकर के निकल जाना पड़ेगा। तो आई होप सो कि आज जो मैंने कहा था कि ऊपर के लेवल पे हम सेल करने की कोशिश करेंगे तो वो आपने किया होगा, और आपको
अगर आपने इन द मनी पुट लिया होता तो वो लगभग इंट्राडे में डबल हो चुका है क्योंकि वोलेटिलिटी की वजह से। तो वही किया हमने ऊपर के लेवल पे जो है, तो मुझे पता ही था कि 200, 250, 300 पे मार्केट रेजिस्टेंस लेने वाला है क्योंकि ऊपर की तरफ बहुत सारे मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं। मगर अभी जो है तो ऐसा लग रहा है कि हम एक टेम्प्रेरी बॉटम बना चुके हैं, तो यहाँ हम बाइंग की कोशिश करेंगे और टारगेट ऊपर की रखेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.